हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 3 मई, बी 10 मई, सी 15 जून या डी 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 3 मई। और इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की है। गौरतलब है कि रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद पहले 31 मार्च तक और फिर लॉकडाउन बढ़ने के बाद 14 अप्रैल तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी थीं। हालांकि इस दौरान मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे ने कहा है कि हमने विस्तारित लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है कि 3 मई की रात्रि यानी रात 12 बजे तक सभी यात्री सेवाएं बंद रहेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 3 मई, बी 30 अप्रैल, सी 20 मई या डी 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 मई। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जारी कोरोना कहर के बीच देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर्स में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है, मगर कोरोना वायरस के मामले में कमी नहीं दिखने पर इसे वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना वायरस को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश या डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा डी भारत। एक्सप्लेनेशन है, विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2020 से 2021 में 1.8 से 2.8% रहने का अनुमान है, जो 6 माह पूर्व 6.3% अनुमानित थी। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 के 5.4 से 4.1% आर्थिक वृद्धि दर के अनुपात के विपरीत वर्ष 2020 से 2021 में 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.5% बढ़कर 2.8% होने का अनुमान है। विश्व बैंक के समान अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर कम रहने का अनुमान लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19
के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 7 महीना, बी 3 महीना, सी 5 महीना और डी है 8 महीना। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 महीना। इसका एक्सप्लेनेशन है, आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा दिए गए ऋण पर 3 महीने का अतिरिक्त समय देने के निर्देश के बाद अधिकांश वित्तीय कंपनियों पर तरलता की कमी का संकट बढ़ गया है। इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में COVID-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए अनायास प्रयास कर रही है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी चीन। तो इसका सही आंसर है ए अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, विश्व में COVID-19 से प्रभावित अन्य देशों की तरह भारत में भी स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 1.5 से 2.8%, बी है 2.5 से 3.8%, सी है 3.5 से 4.8%, डी है 1.2 से 1.8%। तो इसका सही आंसर होगा ए 1.5 से 2.8%। एक्सप्लेनेशन, रिपोर्ट में कहा है कि 2019 से 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5% के बीच रहेगी। इस प्रकार इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी या नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 20 अप्रैल, सी 30, बी 30 अप्रैल, सी 10 मई या डी 30 मई। तो इसका सही आंसर होगा बी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया निम्न में से किस दिन मनाया। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए 12 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 13 मार्च या डी 15 जून। तो इसका सही आंसर होगा बी 13 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन है, इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तरह भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुश्मन से सफलतापूर्वक मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं का सम्मान करता है। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। इस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका ऑप्शंस है, पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा रूस। तो इसका सही आंसर होगा सी तीसरा, भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा डी अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है,
इन मिसाइलों को 155 मिलियन डॉलर में बेचा जा रहा है। हार्पून मिसाइलों की लागत 92 मिलियन डॉलर है और टॉर्पीडो की कीमत 63 मिलियन डॉलर है। यह मिसाइलें दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में सुधार करने में भारत की मदद करेंगी। हल्के टॉर्पीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।